नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बहुसंख्यक वाद के मसले पर बातचीत करेंगे। लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर सरकारों को चुना जाता है, लेकिन जब एक खास तरीके से किसी कोई समुदाय अपने आप को संगठित करे या कोई राजनीतिक दल उस समुदाय को संगठित करे और उसके आधार पर वह अपने जो चुनाव की पूरी प्रवृत्ति उसको तय करने लगे, तो वह एक तरीके की नकारात्मक चीज को जन्म दे सकता है। और खास तौर पे अगर बड़ा समुदाय ऐसा करे तो जरूर ऐसा हो सकता है। तो इस पूरे मसले को हम कैसे समझ सकते हैं और लोकतंत्र के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं, इस पर आज हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। अभय सर, नमस्कार। आज आपने दैनिक भास्कर में एक लेख भी लिखा है जिसमें आपने यह कहा है कि सिर्फ हिंदू बहुसंख्यकवाद नहीं बल्कि हर प्रकार के बहुसंख्यकवाद से सावधान सचेत रहने की जरूरत है। तो क्या आप इस बिंदु को और ज्यादा स्पष्ट करेंगे कि इससे क्या तात्पर्य है? देखिए, राजनीति को समझने का हमारा दृष्टिकोण क्या है, ये है असली प्रश्न। आप जो लोकतांत्रिक होड़ चलती है, उस लोकतांत्रिक होड़ के चरित्र को आप किस तरीके से समझते हैं, उसकी किस तरह से व्याख्या करते हैं, उसकी संरचना की क्या तस्वीर आपके दिमाग में है। पिछले 3-4 साल से, खासतौर से 2017 के बाद से, उत्तरोत्तर मेरी समझ ये बनती गई है कि भारत की राजनीति दरअसल तरह तरह के बहुसंख्यकवादियों के बीच की प्रतियोगिता है। ये मेरी ऐसी समझ बनी है और मैं इसको मानता हूं कि न केवल आजादी के बाद बल्कि जो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन हुआ था उस दौरान भी तरह तरह के बहुसंख्यकवादों की प्रतियोगिता होती थी और उसी तरीके से पूरा मामला चल रहा है। आप चाहें तो दूसरे और नजरियों से भी इसको देख सकते हैं, लेकिन ये एक अलग नजरिया है। जब जब मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ इस नजरिए का, तब मैं पाता हूँ कि मैं राजनीति को समझने की सच्चाई के ज्यादा निकट होता जाता हूँ। निश्चित रूप से हिंदू बहुसंख्यकवाद बहुत बड़ा और प्रबल है, क्योंकि हिंदुओं की संख्या करीबन 80% है इस देश में, 80% थोड़ी सी कम होगी, बाकी में और दूसरे धर्मावलंबी या वो लोग आ जाते हैं। और हिंदू बहुसंख्यकवाद के भीतर भी एक प्रतियोगिता है। हिंदुओं की संख्या इतनी ज्यादा है इस देश में कि वो केवल एकमात्र बहुसंख्यकवाद हिंदू बहुसंख्यकवाद नहीं है, हिंदू बहुसंख्यकवाद के भीतर भी एक बहुसंख्यकवाद है जिसका मैंने जिक्र किया है, वो है जातियों का बहुसंख्यकवाद, कास्ट मेजोरिटेरियनिज्म। तो पूरे 90 के दशक में और 20 और 21वीं सदी के पहले दशक में कास्ट मेजोरिटेरियनिज्म और हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म के बीच की प्रतियोगिता चलती रही। कास्ट मेजोरिटेरियनिज्म ने कई सालों तक हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म को अपना दबदबा नहीं हासिल करने दिया। उनकी सरकार बनती रही अटल बिहारी, लेकिन उन्हें गठजोड़ सरकार बनानी पड़ी, क्योंकि वो लोग जो कास्ट मेजोरिटेरियनिज्म की थीसिस के प्रवर्तक थे, उस आधार पर जो जनता की गोलबंदी करते थे, वो उत्तर प्रदेश में, बिहार में और दूसरी जगहों पर इतनी सीटें जीत लेते थे कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता था। ये कास्ट मेजोरिटेरियनिज्म सामाजिक न्याय के छतरी के नीचे काम करता था और सामाजिक न्याय ही राजनीति का दावा करता था। आपको याद होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे बहुत मशहूर, तो वो कहा करते थे हमेशा कि अगर जब तक लालू यादव और मुलायम सिंह यादव और मायावती ये सीटें जीतते रहेंगे तब तक हम लोगों को बहुमत कैसे प्राप्त होगा। प्रबोध महाजन का कहना था, मैंने खुद ना टीवी पे ये कहते हुए सुना। जैसे ही जो कास्ट मेजोरिटेरियनिज्म है उसकी चुनाव जीतने की और जनता को अपनी तरफ खींचने की क्षमता का घटी, जो उसके अपने कामों से घटी, वो भारतीय जनता तो उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी लेती चली गई। तो ये एक व्यवहारिक स्थिति है। आप चाहें तो राजनीति शास्त्र ने पश्चिम के प्रभाव में बहुत सारे तरीके बता दिए हैं हमें राजनीति को पढ़ने के, जिनके जरिए आमतौर पर हम लोग राजनीति को पढ़ते हैं। मेरा ये भी मानना है कि हर लोकतंत्र में, चाहे वो पश्चिम का लोकतंत्र हो, अमेरिका का हो, ब्रिटेन का हो, फ्रांस का हो, या यूरोप के किसी और देश का हो, या भारत का हो, सभी लोकतंत्रों में एक बहुसंख्यकवादी आवेग होता है। इसलिए बहुमत का शासन किसी भी वक्त खतरा रहता है कि वो बहुसंख्यकवादी शासन में बदल जाए। ये उस लोकतंत्र के लोकतंत्र समर्थक और लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले, सैद्धांतिक प्रेम करने वाले नेताओं और पार्टियों की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको बहुसंख्यकवाद में न फिसलने दें और वो इस तरीके से अपने कार्यक्रमों को पेश करें, समाज को इस तरीके से उसकी गोलबंदी करें और इस तरीके से शासन चलाएं और उन सिद्धांतों को रेखांकित करें जिससे बहुसंख्यकवाद बना रहे, लेकिन बना रहने के बावजूद भी वो दुष्ट ना होने पाए, मैलिग्नेंट ना होने पाए,
वो सौम्य बना रहे, वो बेनायन बना रहे। तो इस बात को मैंने अपनी पुस्तक हिंदू एकता बनाम ज्ञान की राजनीति में भी विस्तार से लिखा है, और उस इसी विषय में मैंने भास्कर में लेख लिखा था, और उसका जरूरत इस बात के लिए पड़ी कि जे साई दीपक जो एक बड़े बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने एक लेख लिखा था। इस लेख में उन्होंने आरोप लगाया था कि बहुसंख्यकवाद की तोहमत जब हम हिंदुओं पर लगाते हैं तो दरअसल हिंदुओं को हम लोग गैस लाइटिंग कर देते हैं। गैस लाइटिंग जो है वो एक मनोविज्ञान का शब्द है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी व्यक्ति से कुछ इस तरह के आरोप लगाते हैं, कुछ इस तरह की बातें उसके बारे में कहते हैं जिससे उसे अपनी क्षमताओं पर शक होने लगता है, अपने इतिहास पर शक होने लगता है, और अपने अंदर हीन भावना उसमें पैदा होने लगती है, और अपने वजूद के पे ही सवाल लगाना शुरू कर देता है, तो ये इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का नाम गैस लाइटिंग करना है। इस गैस लाइटिंग करना और शब्द, और उनकी इस बात का जवाब राष्ट्रीय दास गुप्ता जो हमारी CSDS की पुरानी कुली है, उन्होंने भी आज इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिख के दिया है। उन्होंने भी मेजोरिटी और मेजोरिटेरियनिज्म के बीच का फर्क बताया है। तो मैंने भी अपने लेख में यही बताया है। साथ में मैंने अपने लेख में एक और बात बताई है कि हम लोग पश्चिम द्वारा प्रदत्त श्रेणियों के जरिए अपने देश और समाज को जानने की कोशिश करते हैं, उसका अर्थ निरूपण करने की कोशिश करते हैं, उसका मतलब निकालते हैं। जैसे ही एक श्रेणी है, एक तो सेकुलरिज्म एक श्रेणी है जिसकी ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है, और आजकल उसकी काफी दुर्गति भी है जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और उसका दबदबा बना है। लेकिन एक और श्रेणी है, इसका भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक बुद्धिजीवी भी इस्तेमाल करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी भी उसका इस्तेमाल करते हैं। ये है सभ्यता की श्रेणी। वो जैसे ये जेसाई दीपक का भी तर्क है, और भी बहुत से लोग जो भाजपा के कड़े आलोचक हैं वो भी कहते हैं कि भारत को एक सभ्यता के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, वो ये नहीं कहते कि भारत को हिंदू सभ्यता के रूप में देखा जाना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं, जेसाई दीपक कह रहे हैं कि भारत को हिंदू सभ्यता का पर्याय माना जाना चाहिए। केवल यही है दोनों बातों का फर्क। सभ्यता की जो श्रेणी है वो देखना भी हमें पश्चिम ने सिखाया है। 18वीं सदी के फ्रांस में सभ्यता और संस्कृति, इन दो पदों को स्थापित किया गया विमर्श के क्षेत्र में, और धीरे धीरे करके पूरे यूरोप ने इलैटिनमेंट के दौरान यानी यूरोपीय प्रबोधन के दौरान इन शब्दों को अपनाया, और वो लोग अपनी संस्कृति को और अपने आप को सभ्यता और संस्कृति के आईने में देखने लगे, और फिर वही पूरा विचार उन देशों को थमाया गया जो कि उपनिवेशित थे, भारत उनमें से एक था, और भारतीय बुद्धिजीवियों ने बड़ी उत्सुकता पूर्वक इस पूरे विचार को आत्मसात किया। पूरी 19वीं सदी में आपको इस प्रकार की बहस होती हुई दिखेगी कि हमारी सभ्यता क्या है, वो पतनशील है कि उन्नतिशील है वगैरह, इस तरह की बहुत सी बातें होती हुई मिलेंगी। जबकि हमारी भाषाओं में सिविलाइजेशन का अनुवाद सभ्यता के रूप में नहीं होता था। आप पाएंगे कि उस जमाने में जो हिंदी के बड़े बुद्धिजीवी होते थे, जब वो किसी सभा को संबोधित कर रहे होते थे, तब वो कहते थे कि भाई यहाँ पे अभी इतने सभ्य बैठे हुए थे, इसमें से 3-4 सभ्य यहां से उठ के चले गए हैं। सभ्य का मतलब ये था कि जो सभा में भाग लेता है। तो सभ्य को उस सिविलाइजेशनल अर्थों में नहीं इस्तेमाल किया जाता था। तो दरअसल चाहे हिंदुत्ववादी हो या हिंदुत्ववाद के विरोधी हो, हम लोग पश्चिम से ली गई श्रेणियों के आधार पर ही अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। और इस प्रक्रिया में होता क्या है, इस प्रक्रिया में होता यह है कि हम अपनी श्रेणियां ईजाद करने की हमें कोई जरूरत नहीं महसूस होती। ये बिल्कुल ठीक इसी तरह है, आजकल जिम में कसरत करने का बहुत चलन है, नौजवान लोग उसमें जाते हैं और अपनी बॉडी बनाने के चक्कर में, अपनी मांसपेशियों को मजबूत कठोर बनाने के चक्कर में वो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लेते हैं, उसके कैप्सूल लेते हैं। तो जब वो बाहर से स्टीरॉइड के इंजेक्शन और कैप्सूल लेते हैं तो उनका शरीर खुद स्टीरॉइड बनाने की जो उनकी अपनी हार्मोन बनाने की उसकी अपनी क्षमता होती है, उस क्षमता का क्षय होने लगता है, और एक दिन ऐसा होता है कि शरीर अपने हार्मोन बनाना बंद कर देता है। और जैसे ही उम्र बढ़ने पे वो स्टीरॉइड्स लेना बंद करते हैं, वैसे ही उनके अंदर बहुत सारी शरीर में विकृतियां पैदा हो जाती हैं, वो नपुंसक हो जाते हैं और तमाम तरह की बीमारियां उनको होने लगती हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप खुद अपने समाज के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर, अपनी पूरी सामुदायिक संरचना के ऊपर, अपने अपने भूगोल के ऊपर, अपने इतिहास के ऊपर, अपने दर्शन के ऊपर मौलिक तरीके से विचार करना बंद कर देंगे और उधार ली हुई और थमाई गई श्रेणियों के
के आलोक में ही सारी चीजें देखना पसंद करेंगे, तो धीरे धीरे उसी स्टेरॉइड वाली बॉडी की तरीके से आपका शरीर नई श्रेणियां सोचना, आपका दिमाग नई श्रेणियां सोचना बंद कर देगा और आप एक बौद्धिक नपुंसकपन के शिकार हो जाएंगे। यही भारतीय बुद्धिजीवियों के साथ हुआ है। इस बात की ओर मैं लगातार पिछले 4-5 साल से लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कुओं में भांग पड़ी हुई है, सबने कुछ ना कुछ पानी उसका पी रखा है, इसलिए बात लोगों की समझ में नहीं आती। और आपकी जो नई किताब आ रही है उसमें भी इसका विस्तार से मैंने कोशिश की है, अपनी बात कहता रहूंगा और मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके मुझे ऐसे साथी भी मिलेंगे और मिल भी रहे हैं जो कि इस बात को और भी अच्छे तरीके से कहेंगे और मुझसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। जी, मैं एक बार फिर से वापस आऊंगा हिंदू बहुसंख्यकवाद के विचार पर कि क्या ये कहा जा सकता है कि हिंदू बहुसंख्यकवाद का विचार भी एक तरीके से जाति बहुसंख्यकवाद में थोड़ा तोड़ मोड़ करता है और फिर उसके अनुसार खुद को एडजस्ट करता है, क्योंकि ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि जो हिंदू बहुसंख्यकवादी हैं वो जाति की राजनीति से बिल्कुल परे चले गए हैं। मोदी सरकार भी लगातार इसका ध्यान रखती है। जाति की राजनीति करना और जातिगत बहुसंख्यकवाद करना ये दो अलग अलग बात है। कांग्रेस भी जाति की राजनीति करती थी। सभी पार्टियां भारत में जाति एक महत्वपूर्ण बुनियादी सामाजिक इकाई है, सामाजिक अस्मिता का एक बहुत बड़ा एक स्थायी किस्म का प्रतीक है। लोग अपनी जाति में पैदा होते हैं, जाति में जन्मते हैं, कितने भी प्रगतिशील या क्रांतिकारी या वामपंथी या रूढ़िभंजक क्यों ना हो, वो उनको अपनी जाति से छुटकारा नहीं है। ये भारतीय समाज की का यथार्थ है। मैंने बड़े बड़े मार्क्सवादियों को देखा है और बड़े बड़े निरीश्वरवादियों को देखा है, वो अंततः उनका पूरा व्यक्तित्व और उनकी उनकी चेतना जो है का निर्माण करने में उनकी जाति की और जातिगत समुदाय की जिसमें उनका लालन पालन हुआ है परिवार की, उसको बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जाति से तो कोई बचा नहीं है। कांग्रेस भी जाति से नहीं बची है, स्वतंत्र पार्टी भी जाति से नहीं बची है, कम्युनिस्ट पार्टियां भी जाति से नहीं बची है। जातियों के नाम अपीलें जारी कर करके गोलबंदी कम्युनिस्ट पार्टियों ने की है, इसके बहुत सारे उदाहरण है। वो कहते हैं यहां तक कि कांशीराम जो कि अंबेडकरवादी थे और फुलेवादी थे, वो भी कहते थे जाति को मजबूत करो। वो अंबेडकर की तरह जाति को नष्ट करने की बात नहीं कहते थे। तो मैं कहना ही चाहता हूं कि जाति का राजनीति में इस्तेमाल करना और जातियों का बहुसंख्यकवाद स्थापित करना, उस थीसिस का प्रवर्तन करना और उसके आधार पर अपनी राजनीति चलाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। आप बहुसंख्यकवाद का सीधा मतलब है स्थायी बहुमत का निर्माण, परमानेंट मेजोरिटी बनाने की कोशिश। अब आप सोचिए परमानेंट मेजोरिटी बनाने की कोशिश कहां कहां होती है। पंजाब में सिख अपने आप को परमानेंट मेजोरिटी समझते हैं, कश्मीर घाटी में मुसलमान अपने आप को परमानेंट मेजोरिटी समझते हैं, उत्तर पूर्व के कई प्रांतों में 2-3 प्रांतों में ईसाई अपने आप को परमानेंट मेजोरिटी समझते हैं। इसी तरीके से महात्मा फुले की थीसिस और अंबेडकरवाद को मिला जुलाकर, उन दोनों का एक मिश्रण बनाकर, जिसके समर्थक ना अंबेडकर थे और ना फुले थे, उन दोनों का मिश्रण बनाकर एक पूरी थीसिस कांशीराम ने तैयार की। उस थीसिस का मतलब यह है कि पूर्व अछूतों जिनको आज दलित कहा जाता है और शूद्र जातियों जिनको आज ओबीसी कहा जाता है और धर्म परिवर्तन कर चुके मुसलमानों, यानी मुसलमानों में जो कमजोर जाति के पसमानदा मुसलमान आप कह सकते हैं उनको, पसमानदा मुसलमानों की अगर एकता हो जाएगी तो हम सत्ता के ऊपर स्थायी रूप से कब्जा कर लेंगे और हम ऊंची जातियों को कभी भी सत्ता में नहीं आने देंगे। तो यह चीज बहुत दिनों तक उनकी चलती रही, लेकिन धीरे धीरे ऊंची जातियों की समझ में आ गया ये लोग तो प्रगतिशील क्रांतिकारी वगैरह नहीं है, ये तो हमें स्थायी रूप से सत्ता से निकालना चाहते हैं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकते चले गए। उनके अंदर के जो प्रगतिशील तत्व धीरे धीरे समाप्त हो गए कि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। उनके अंदर इतनी प्रतिक्रिया हुई, आप देखिए इसी जब आप कभी भी एक इस तरह की राजनीति करते हैं जिसमें दूसरे समुदायों के लिए कोई गुंजाइश ना रहे, तो कुछ दिनों तक तो आपका सिक्का चलता है, ये सही बात है। चाहे गुजरात में खाम के जरिए चलाया गया हो, चाहे उत्तर प्रदेश में अजगर और मजगर के जरिए चलाया गया हो, चाहे कर्नाटक में अहिंदा के जरिए चलाया गया हो, और चाहे पूरे देश के अंदर बहुजन थीसिस के रूप में चलाया गया हो, जब आप एक इस तरह की राजनीति इस तरह का गठजोड़ बनाते हैं जिसमें दूसरे समुदायों को लगता है कि ये हमेशा हमेशा के लिए हमें सत्ता से और सत्ता के लाभों से वंचित कर देना चाहते हैं, तो उनके अंदर प्रतिक्रिया होती है।
उन्हें मुश्किल होती है, वो काफी दिन बाद, काफी दिन कोशिश करने के बाद वो अपने लिए एक ध्रुव ढूंढते हैं और फिर उस ध्रुव पर वो मजबूती के साथ जम जाते हैं। आज क्या हुआ है, देश में जो ऊंची जातियां, इनको हम लोग द्विज जातियां कहते हैं, उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति जबरदस्त हमदर्दी क्यों है? इसलिए है कि वो जानते हैं कि भाजपा में अगर कोई ओबीसी जात का नेता आएगा, दलित जात का भी नेता आएगा, तो उसे ब्राह्मणों, ठाकुरों, बनियों को गाली देने का अधिकार नहीं होगा, उसको राजनीति में भागीदारी मिलेगी। लेकिन वो ब्राह्मणवादी राजनीति का जो मुहावरा है, ये समाजवादी राजनीति का जो मुहावरा है, वामपंथी राजनीति का मुहावरा है, उस मुहावरे का पालन करते हुए और सामाजिक न्याय की राजनीति के नाम पर ऊंची जातियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल वहां नहीं होगा। और वहां पे भाजपा में एक कोशिश ये दिखाई पड़ती है कि वो ऊंची जातियों का और कमजोर जातियों का एक जोड़ बनाना चाहते हैं, और जो बनाते भी हैं, केवल ऊंची जातियों के दम पे तो भाजपा को 45 से 50 फीसदी वोट नहीं मिल सकता भाई, जाहिर है उसके अंदर ऊंची जातियों के अलावा भी दूसरी जातियों के वोट आए हैं, उनके पास शूद्र वोट आए हैं, उनके पास पूर्व अछूतों के वोट आए हैं। इसका मतलब यह है कि वो अपनी हिंदू एकता, हिंदू समाज के सभी तरह के तत्वों को मिलाकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी उन्हें ऐसे इसमें सफलता मिलती है, कभी काफी सफलता मिलती है, कभी कम सफलता मिलती है, कभी बिल्कुल सफलता नहीं मिलती है। ये सब होता रहता है, ये 19-20 चलता रहता है। और इसमें यह भी होता है कि जो समुदाय स्थायी रूप से लंबे अरसे से उनके खिलाफ हैं, उनको वो कोशिश करके एक्सक्लूड करते हैं या उनका बहिर्वेशन करते हैं हिंदू एकता। जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़े तो उन्होंने कहा तीन जातियों के खिलाफ सब जात, तीन जात के खिलाफ सब जात। तीन जाति कौन थी? यादव, जाटव और मुसलमान। तो जो दो हिंदू जातियां थी, बड़े हिंदू समुदाय थे यादव और जाटव, जो यादव ओबीसी में शीर्ष पे थे और जाटव दलित समुदायों में शीर्ष पे थे, उनका बहिष्कार करके उनके खिलाफ बाकी और हिंदू समुदायों की एकता की जाए। और दो चुनाव उन्होंने जीते, दो लोकसभा चुनाव उन्होंने ये नारा लगा के जीते। ये नारा मंच से नहीं लगाया जाता है, लेकिन अंदर अंदर इस नारे के आधार पर गोलबंदी होती है, पत्रकारों ने पता लगा लिया है कि ये नारा इस तरह भाजपा ने इस्तेमाल किया। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जब आप स्थायी लोकतंत्र, स्थायी बहुमत बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ दिन तक आपका सिक्का चलेगा, लेकिन उसके बाद में जो लोग आपसे, आपकी वजह से उत्पीड़ित, आपकी इस कोशिश से उत्पीड़ित महसूस करेंगे, उन भले ही उनका अतीत और इतिहास कोई भी रहा हो, मैं उनके अतीत और इतिहास की वकालत नहीं कर रहा हूं, राजनीति तो आज के समय में हो रही है, वो लोग धीरे धीरे एक अपना ध्रुव ढूंढ लेंगे और फिर उसके बाद मजबूती से जुड़ जाएंगे। अब देखिए पिछले 2022 के विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के समर्थक ब्राह्मण समुदाय में इस बात को लेकर बहुत असंतोष था कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार चली, उसमें ठाकुर समुदाय का बड़ा बोलबाला रहा और ब्राह्मण उनमें एक इस तरह की भावना भी थी कि ब्राह्मणों को सताया गया। इस बात का प्रचार भी बहुत हुआ और अखिलेश यादव ने, दूसरे लोगों ने प्रचार करके इन चीजों को बढ़ावा भी दिया। चुनाव के आखिर तक इस बात, ये बात चलती रही कि शायद इस बार ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को वोट जरूर देंगे, लेकिन उस तरह नहीं देंगे जिस तरह से पिछली बार देते, कुछ ब्राह्मण वोट टूटेगा। अंततः क्या हुआ, सारे के सारे ब्राह्मणों ने कटिबद्ध होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया। अगर ब्राह्मणों का 20-25% वोट भी टूटता तो भाजपा जो 57 सीट करीब कम जीती है, वो कम से कम उसकी हार 100 सीटों के नीचे बाहर चली जाती, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई हम अगर भाजपा को वोट नहीं देंगे तो कौन लोग सत्ता में आएंगे, ऐसे लोग सत्ता में आएंगे जिनको वो सत्ता में नहीं देखना चाहते। तो इस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया का ये एक क्रम चलता है, और ये कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बहुसंख्यकवादों की प्रतियोगिता से निकलता है। ये एक युक्ति है भारतीय राजनीति को समझने की। मैं चाहता हूं इस युक्ति का इस्तेमाल करके हम लोग बार बार इसको समझने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से हम लोग राजनीति के यथार्थ के अधिक निकट पहुंचेंगे। और जहां तक कौन सा बहुसंख्यकवाद ज्यादा खतरनाक है, कौन सा बहुसंख्यकवाद कम खतरनाक है, ये तो इस बात से तय होगा कि जब आप छोटे छोटे बहुसंख्यकवादों की आलोचना करने से अपने आप को रोकेंगे और परहेज करेंगे कई तरह के तर्कों की आड़ में, तो उससे अंततः हिंदू बहुसंख्यकवाद का जो विक्टिमहुड है कि भाई लगातार हिंदुओं को सताया जा रहा है। अब जैसे ही मैंने ये लेख लिखा, मेरे पास एक मेल आई, उस मेल में लिखा हुआ था कि आप इतनी बातें लिखते हैं लेकिन जो पाकिस्तान में हिंदू फंसे हैं उनका आप ध्यान नहीं रख करते, जरा कभी उनके बारे में भी तो सोचिए।
तो इस तरह की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आपको सुनने के लिए मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं सब लोग इसी तरीके से सोचते हैं, लेकिन जो लोग सक्रिय हैं, मुखर हैं, जो प्रतिक्रिया देने के लिए समय निकालते हैं, वो उन लोगों ने इस तरह सोचना शुरू कर दिया है। उन लोगों ने दरअसल इस तरह सोचना क्यों शुरू कर दिया है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। हम दोनों समाज विज्ञान की दुनिया से आते हैं, समाज विज्ञान की दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बात को लेकर बहुत मुश्किल होती है कि हिंदू अस्मिता के प्रश्न को लेकर उन्हें बहुत मुश्किल होती है। तो ये क्यों होती है मुश्किल? मुस्लिम अस्मिता को लेकर मुश्किल नहीं होती उन्हें, ईसाई अस्मिता के सवाल को लेकर मुश्किल नहीं होती, हिंदुओं में जो दलित अस्मिता है या ओबीसी अस्मिता है उसको लेकर मुश्किल नहीं होती, लेकिन हिंदू अस्मिता को सवाल को लेकर वो काफी शंकित रहते हैं हमेशा। ऐसा क्यों होता है? इन बातों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हिंदू अस्मिता भी जो आधुनिक राजनीति की प्रक्रिया है जो कि अस्मिताओं को बनाती है और बड़ी बड़ी छोटी अस्मिताओं का भी निर्माण करती है और बड़ी अस्मिताओं का भी निर्माण करती है, आखिरकार हिंदू अस्मिता भी दूसरी की देन है। आपने जो बातें कही जैसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, वो हरियाणा के संदर्भ में भी दिखती है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि जाट के सामने वो एक अलग तरह का सामाजिक गठजोड़ गैर जाटों को कर दे। उन्होंने हरियाणा के हिंदू समाज को जाट बराबर गैर जाट में बांट दिया है। वहां भी आप देखिए कि वो बहिर्वेशन, इसको मैं इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन दोनों कहता हूँ, किन्हीं लोगों को वो इंक्लूड करते हैं और किन्हीं लोगों को एक्सक्लूड करते हैं, किन्हीं का बहिर्वेशन करते हैं, किन्हीं का अंतर्वेशन करते हैं। इसी चतुर कार्रवाई के जरिए जो जो भाजपा समर्थक हिंदू एकता इस तरीके से बनती है, हरियाणा में बन रही है, ऐसा वो बिहार में भी करने वाले हैं। देखिए अभी हम लोग मानते जरूर हैं कि नीतीश कुमार का कांग्रेस का और तेजस्वी यादव का और दूसरी छोटी पार्टियों का गठबंधन है बहुत विशाल और मजबूत है, कागज पे विशाल और मजबूत लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये प्रक्रिया वहां शुरू हो गई है कि जो छोटी छोटी जातियों बिरादरियों की पार्टियां हैं वो छिटक कर, उस गठजोड़ से छिटक कर भाजपा की तरफ जा रही। अगर उस प्रक्रिया को हम लोग नहीं देखेंगे तो फिर चुनाव नतीजे आएंगे, फिर हम लोग भौचक्के रह जाएंगे। और तो इसमें आखिर में हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि जो हिंदू एकता है वो जैसा शब्द से लगता है सभी हिंदुओं को सम्मिलित करके नहीं है, जो हिंदू एकता बना रहे उसमें कुछ चीजों को निकालते हैं। 100% एकता कहीं नहीं होती, ना 100% एकता होती है, ना 100% बिखराव होता है। किसी पार्टी को किसी भी समुदाय के 100% वोट नहीं मिलते, मुसलमानों के भी 100% वोट एक जगह नहीं जाते, किसी को दलितों के भी, मायावती जो दलितों की नेता, जाटवों के भी 100% वोट उन्हें नहीं मिलते, उसमें भी कुछ वोट रह जाते थे। कोई भी चीज 100% नहीं होती है। हम लोग मानते ये हैं कि अगर 60-70% भी किसी समुदाय के किसी बिरादरी के वोट किसी को मिल रहे हैं तो मान के चलिए कि वो उस वो बिरादरी उस पूरे एक पार्टी या नेता का समर्थन कर रही है, तो 100% कुछ नहीं होता। आज की बातचीत काफी अच्छी थी। एक आखिरी सवाल मेरे मन में है और वो ये है कि अगर हम दूसरी तरह की राजनीति को देखें, जैसे 2013-14 के बाद आम आदमी पार्टी की राजनीति उभर कर सामने आई, जिसने कुछ बुनियादी मसलों पर ध्यान दिया, भ्रष्टाचार पर, बाद में जो जनता से जुड़े हुए मसले हो सकते हैं शिक्षा पर या फिर स्वास्थ्य पर, तो उसके बरक्स जो इस तरह की राजनीति होती है कि आप पिछड़ी जातियों का बहुसंख्यकवाद तैयार कर लें या हिंदुओं का बहुसंख्यकवाद तैयार कर लें, तो उसकी संभावना कितनी है आज की राजनीति में? देखिए आम आदमी पार्टी एक अलग तरह की पार्टी है, वो उसकी राजनीति का प्रस्थान बिंदु कोई जात या धर्म नहीं है, तो वो अलग तरीके से आगे बढ़ रही है। वो एक नया प्रयोग है जिसका अभी शहरी इलाकों में सफलता मिलते हुए दिखती है और पंजाब में एक खास परिस्थिति में, जब पंजाब की स्थानीय पंजाब की राजनीति में जमी हुई स्थानीय पार्टियों से अन्यान्य कारणों से काफी थकान हो गई थी और इसमें एक बहुत बड़ा कुछ विशिष्ट अकाली दल जो बेअदबी वाला मामला था उसकी वजह से काफी बदनाम हो गया था, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के सिखों के अंदर कोई आधार विस्तृत नहीं कर पा रही थी, कांग्रेस अपने आलाकमान की नाकामियों के कारण वो एक अपने नेता को अमरिंदर सिंह को हटाना चाहते थे, उसी जगह वो एक गलत व्यक्ति को चुन के ले आए, इससे जो परिस्थिति बनी उस परिस्थिति में आम आदमी पार्टी को गुंजाइश मिली और उनका एक एक सोशल सेक्टर को सब्सिडी देने का एक वेलफेयर मॉडल उनका था, उस मॉडल को वहां पे वो मॉडल क्लिक किया, दिल्ली में उसने क्लिक किया है और पंजाब में उन्होंने क्लिक किया है। अब वो मॉडल कहाँ कहाँ क्लिक करेगा, उन्हें उस तरह की जरखेज जमीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस बात के बारे में अभी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मैं ये मानता हूं कि
आज के जमाने में जब सरकारें बेरोजगारी नहीं दे सकती, सरकारें लोगों की आमदनियां नहीं बढ़ा सकती, तो हर सरकार ने और हर नेता ने एक एक वेलफेयर मॉडल बना रखा है जिसमें सब्सिडी का बहुत बड़ा योगदान है। और सब्सिडी कैसे लोगों तक पहुंचाई जाए, ये पिछले 9-10 साल से पार्टियों के बीच में ये प्रतियोगिता चल रही है। तो आप मोटे तौर पर कह सकते हैं कि भारत मोटे तौर पर बहुसंख्यकवादों की प्रतियोगिता का भी नाम है और भारत गरीब जनता को सब्सिडी देने की प्रतियोगिता का भी नाम है। गरीब निम्न और वो सब्सिडी निम्न मध्यम वर्ग तक जाती है, उसकी प्रतियोगिता का भी नाम है। तो ये दो तरह की प्रतियोगिताएं और दो तरह की होड़ें चल रही हैं। जो जहां पर कामयाब होता है उसको राजनीति में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। देखिए, ये सारे की सारी प्रक्रियाएं और हम लोगों की सोच समझ का जो तरीका है, हम लोग जिन आयनों का इस्तेमाल करते हैं, जिन धारणाओं का इस्तेमाल करते हैं, ये धारणाएं बहुत परफेक्ट 100% बिल्कुल सही सही नहीं होती हैं। इसलिए हम लोगों से समझने में गलतियां भी होती हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि धारणाओं से चिपके न रहें। आज मैं इस धारणा का जिक्र कर रहा हूं, हो सकता है कल किसी कोई नई तरकीब मुझे सूझे और नए तरीके से मैं समाज की और राजनीति की आलोचना कर सकूं। तो आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं और हमने यह समझने की कोशिश की कि जो बहुसंख्यकवाद की जो पूरी धारणा है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक वाला बहुसंख्यकवाद हो, हिंदू बहुसंख्यकवाद हो, जातियों का बहुसंख्यकवाद हो, उसकी विभिन्न परतें कौन सी हैं। और इस पूरी चर्चा के लिए अभय सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले अंक में मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।